ये आपको लग रहा है वाला जी कभी ना सी कर जी तो समाजवादी पार्टी में था तो समाजवादी पार्टी में रहा तो वो सफेद पूछ खाना चला गया था तो आप लोग अभी बीच में कुछ नायब तबाही हो गई थी आपके एमपी साहब के बारे में जो विचार उस टाइम थे वो आज भी कायम है या बदल गए? मेरा धर्मेंद्र यादव जी से रिश्ता एमपी वाला नहीं भाई वाला दो भाइयों के रिश्ते कभी खराब नहीं विधायक जी उसमें गंभीर आपके वो रहेंगे गंगा को तो मेरे वक्त में तो जो जन संघर्ष की बात होती है जनता की बात होती है मैं अपने टाइम में उनकी लड़ाई लड़ता हूँ लेकिन फिलहाल तो हमने इतना विकास किया है कि चुनाव में हमारा मकसद है समाजवादी पार्टी की सरकार बने और माननीय अखिलेश यादव जी सीएम बने नहीं इंशाल्लाह हर हाल में बनेंगे। अच्छा वो क्या वजह थी कि क्या किसी ने बहका दिया था कुछ गुमराह कर दिया था जिसकी वजह से वो सारे आरोप लग गए? कुछ लोग हमारी पार्टी के दल में आ गए थे दिल से नहीं आए कुछ लोग ऐसे नहीं होते जब आप निकले तो पार्टी एक हुई नहीं तो हमारी बधाइयों में भी ऐसे होगा। विधायक जी एक बात बताइए कि आपने आरोप लगाए थे कि गोकशी गंगा का अवैध खनन और भ्रष्टाचार था कुरान शरीफ की कसम भी खाई थी आपने और चैलेंज भी दिया था कि मैं विधायक की त्याग पत्र देता हूँ सांसदी त्याग पत्र के इलेक्शन लड़ने और देख लें वो सारी नाइतफाकियाँ दूर हो गई और वो क्या आरोप वापस ले लिए और उन्होंने सारे काम बंद करा दिए सांसद जी ने? मैंने कहा कि दो भाइयों में रिश्ते खराब कभी नहीं होते। तो विधायक जी कई आरोप लगाए गए थे वो भाई पे लगाए गए थे या सांसद पे? ना सांसद पे लगाए थे ना भाई पे लगाए थे उस वक्त भी हमने नाम नहीं दिया था किसी तो परदेसी बाबू फिर किसको कहा गया था? परदेसी बाबू बहुत सारे हैं आप ढूंढो तो।